का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत, खबर लखनऊ से, जहां पर एक ही परिवार के 17 लोग संक्रमित। दो दिन पहले परिवार में महिला के कोरोना से मौत हुई थी और एक घंटे में सांस फूलने से महिला ने दम तोड़ दिया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक ही परिवार के 17 लोग कोरोना पॉजिटिव। एक चिंता का विषय है, लगातार संक्रमण फैलता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, लखनऊ में एक ही परिवार के 17 लोग कोरोना पॉजिटिव। दो दिन पहले आपको बता दें कि एक की मौत हुई थी, जिसके बाद सांस फूलने से बताया जा रहा महिला की मौत हुई थी। परिवार के 17 लोगों के पॉजिटिव आने से हड़कंप मचा हुआ है, जो कि लास्ट में भी एसएमओ अभी तक मरीजों को भर्ती नहीं करा सके हैं। ये भी एक बड़ा मामला। तो आपको बता दें कि लखनऊ में एक ही परिवार के 17 लोग कोरोना पॉजिटिव, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है, चिंता का विषय है। परिवार के 17 लोगों के पॉजिटिव आने से हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन अभी तक मरीज एडमिट नहीं हो पाए। ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों। खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, एक ही परिवार के 17 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और अभी तक वो भर्ती नहीं हो पाए हैं अस्पताल में। एक महिला की कोरोना से मौत हुई थी दो दिन पहले, दम घुटने की वजह से उस महिला की मौत हुई थी, और 17 लोग कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं अब इस पूरे परिवार में, लेकिन अभी तक वो एडमिट नहीं हुए हैं। इसके साथ आपको बता दें कि लगातार लखनऊ में कोरोना का संक्रमण फैलता ही चला जा रहा है। न सिर्फ लखनऊ में, पूरे उत्तर प्रदेश में रफ्तार के साथ केसेस बढ़ रहे हैं, और दो दिन पहले परिवार में महिला की कोरोना से मौत, अब 17 लोग कोरोना पॉजिटिव परिवार के बताए जा रहे हैं। एक बड़ा आंकड़ा है, ये चिंता का विषय भी है। एक परिवार के 17 लोग कोरोना पॉजिटिव, 24 घंटे में भी रफ्तार के साथ उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि एक ही परिवार के 17 लोग संक्रमित। लखनऊ में ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं, 3 साइबर ठग भी कोरोना पॉजिटिव निकले थे, और वहीं पर एलडी में चाय पिलाने वाला भी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकला था, और लगातार नए केसेस सामने आ रहे हैं लखनऊ में। कानून मंत्री बृजेश पाठक समेत 336 कोरोना संक्रमित हैं, लेकिन एक और नया मामला आपको बता रहे हैं कि एक ही परिवार के 17 लोग कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं लखनऊ में। अभिषेक हमारे रिपोर्टर लखनऊ से फोन लाइन पर जुड़ गया। अभिषेक, एक ही परिवार के 17 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और अभी तक उनको भर्ती क्यों नहीं कराया गया है? देखिए नलिनी, बताएं, ये स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है, जिसके चलते पहले इसी परिवार से एक महिला की मौत हुई, आखिरकार दो दिन उसको भर्ती नहीं करा पाया, जिसके चलते उन्होंने निजी अस्पताल का सहारा लिया, लेकिन वहां भी आखिरकार कोरोना से उनकी मौत हुई सांस फूलने से। और अब वही रवैया फिर है कि आखिरकार इस परिवार के 17 लोगों को ये कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, और ये दूसरा दिन है लगातार, अभी तक सीएमओ की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं जारी की गई है, ना कोई स्वास्थ्य कर्मी उनका और परीक्षण के लिए गया, ना ही कोई एम्बुलेंस उनको लेने के लिए गई है। तो लगातार जो सीएमओ के दावे हैं स्वास्थ्य विभाग के लखनऊ में, वो फेल होते नजर आ रहे हैं, और यही कारण है कि 17 लोग अभी भी वो घर में रहने को मजबूर हैं, और आसपास का जो मोहल्ला है, जो इलाका है, उस परिवार से भयभीत है। लेकिन सीएमओ की और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की बात माने तो सिर्फ फोन से ही बातें चल रही हैं, और उसके बाद कोई उपचार की व्यवस्था नहीं है, और अभी तक कहीं उनको क्वारंटाइन या किसी अस्पताल नहीं ले जाया गया है। नलिनी, अब देखिए विडंबना देखिए, जहां पर नोएडा में एक सबसे बड़े 400 बेड वाले कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन होने वाले मुख्यमंत्री के द्वारा आज, वहीं पर अब किस तरह से व्यवस्था है, स्वास्थ्य विभाग किस तरह से काम कर रहा है, और सुविधाओं का अभाव है, ये क्या दर्शाता है? देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपने जो सवाल किया है, क्योंकि एक तरफ प्रदेश के मुखिया लगातार फ्रंट लाइन में निकल के पूरे प्रदेश के जिलों का दौरा कर रहे हैं, आज 400 बेडों का नोएडा में वो उद्घाटन करने वाले हैं, जो उनकी व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं प्रदेश स्तर से, बड़े स्तर से देखी जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो स्थानीय प्रशासन है वो कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहा है, और यही कारण है कि लखनऊ सीएमओ एक बार बदले गए हैं, ये दूसरे सीएमओ आए हैं, लेकिन फिर भी इनके साथ कमान नहीं संभल रही, और लखनऊ के जो लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं एक महीने से, उनमें लगाम लगती नहीं दिख रही, और जिला प्रशासन के जो दावे हैं उनके विपरीत
तस्वीरें आ रही हैं, ये साफ जाहिर है कि लखनऊ की जो आगे आने वाली स्थिति है वो बहुत खतरनाक है और लखनऊ में जो कोरोना है वो चरम पे है। इसके लिए प्रावधान भी जारी किया गया है कि अगर कोई डॉक्टर या फिर स्वास्थ्यकर्मी मदद नहीं करता है, पेशेंट को एडमिट नहीं करता, तो FIR भी इसको लेकर दर्ज होगी, लेकिन फिर भी ऐसे रवैये अपनाए जा रहे हैं। देखिए, कल ही लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने एक नया आदेश फरमान जारी किया है कि यदि उपचार के दौरान किसी भी व्यक्ति की मौत होती है उसमें FIR दर्ज की जाएगी या लापरवाही देखी जाएगी उसमें FIR दर्ज की जाएगी। लेकिन मैंने कल भी इस बात को रखा था कि ये गाइडलाइन जारी की जाती है लेकिन जमीनी स्तर पे ये गाइडलाइन पालन कराने के लिए कठोर कदम उठाने पड़ेंगे जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश को, वो नहीं दिख रहे हैं और यही लापरवाही है कि आखिरकार अभी 17 लोग अपने घर पे रहने को मजबूर हैं और कोरोना से पॉजिटिव ये लोग हैं, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है लेकिन स्वास्थ्य विभाग अभी भी उन पे ध्यान नहीं दे रहा है। ये बड़ी लापरवाही का मामला, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अभी तक ये जो तमाम पेशेंट हैं, ये एक ही परिवार के जो 17 लोग हैं पॉजिटिव, उनको भर्ती नहीं कराया गया है, जिससे आसपास के लोगों में भी डर का माहौल बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज में सरकारी अस्पताल में मानवता को शर्मसार कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां अस्पताल में तैनात एक गार्ड को महिला पर इतना गुस्सा आ जाता है कि गार्ड ने महिला को अपने पैरों से जमकर मारा है। वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे एक महिला जमीन पर गिरी है और गार्ड उसको अपने पैरों से मारते जा रहा है। बेहद ही शर्मनाक ये पूरा मामला है। एक शख्स ने अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गार्ड को नौकरी से हटा दिया है। लेकिन ये भी एक बड़ी विडंबना है कि ये जो शख्स वीडियो बना रहा है वो वीडियो बनाने में इतना मग्न हो गया है कि उस गार्ड को रोका नहीं जा रहा है। सवाल इस बात का भी है, देखिए किस तरह से पैरों से बेरहमी से उसको पीट रहा है, मार रहा है। सरकारी अस्पताल में इस तरह से काम हो रहा है, सवाल इस बात का भी। गार्ड ने महिला को बेरहमी से पैरों से पीटा है, ये देखिए, देख सकते हैं आप, ये सरकारी हॉस्पिटल का गार्ड है। ये एक शख्स वीडियो बना रहा है, एक शख्स उसके आगे से निकल जाता है, वीडियो के एक शख्स अभी आप देख रहे हैं उसके आगे से भी निकल जाता है। तमाशबीन यहाँ पर लोग बन जाते हैं लेकिन उस महिला को कोई बचाता नहीं है। संदीप तिवारी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर। संदीप, ये जो वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक शख्स वीडियो बना रहा है और ये गार्ड अस्पताल सरकारी अस्पताल का गार्ड है, पैरों से महिला को पीट रहा है, ये किस तरह का काम होता है सरकारी अस्पताल में? देखिए, ये गार्ड जो महिला को मारते हुए दिख रहा है उसको फिलहाल नौकरी से निकाल दिया गया, उसके खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा भी दर्ज हो गया है। लेकिन ये बिल्कुल आपका सवाल पूछते हैं कि ये जिस तरीके से वो व्यवहार कर रहा है क्या यही तरीका है सरकारी अस्पताल में व्यवहार करने का? वो भी गरीब और लाचार जो जिनको जाना ही रहता है सरकारी अस्पताल में, उनके साथ अगर इस तरीके का व्यवहार किया जाएगा तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। फिलहाल जो है इसके खिलाफ कार्रवाई हो गई है और उस पीड़ित महिला को भर्ती भी कर दिया गया था, उसकी हालत भी स्थिर बनी हुई है। नहीं, क्या पता लगता है क्यों वो उसको पीट रहा था, क्या उसकी मंशा थी और क्या मांग थी महिला की, क्या इसके पीछे की वजह पता लग पाई है? गार्ड की ड्यूटी ट्रामा सेंटर के बाहर लगी हुई थी और उस महिला को ये इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसको कहाँ जाना है। वो वहाँ पहुंची और वहीं बैठ गई, उसने उसको वहाँ से हटाने का प्रयास किया तो वो उसको अपनी व्यथा सुनाने लगी, जिससे उसको झुंझलाहट शुरू हुई और उसने इस तरीके का आचरण जो है दिखाना शुरू कर दिया और उस महिला को पैरों से मारने लगा। संदीप, ये जो शख्स वीडियो बना रहे इसके बारे में कोई जानकारी है? किसी मरीज के साथ आया हुआ शख्स था जिसने इस वीडियो को बनाया, उसने गार्ड को रोकने का भी प्रयास किया लेकिन गार्ड इस तरीके से गुस्से में था कि वो सभी को धमकाने लगा। तो बाद में इसी शख्स ने जाकर वहां पर जो अस्पताल के अंदर चौकी बनी हुई वहां पर इस वीडियो को दिखाया और उनको सूचित किया, तब उस गार्ड के खिलाफ कार्रवाई हुई। बिल्कुल, ये बेहद ही गंभीर और शर्मनाक मामला है। बहुत शुक्रिया आपका संदीप तिवारी तमाम जानकारी के लिए। ये पिटाई का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है जो कि तमाम दावों की पोल भी खोलता है और तमाम सवाल भी खड़े करता है कि अस्पताल जो कि सरकारी अस्पताल है, कोविड के दौर में इस तरह का काम अगर इस तरह से मानवता दिखाई जाएगी तो फिर किस तरह से हालात पर काबू पाया जाएगा? सरकारी अस्पताल का ये गार्ड जिसको फिलहाल नौकरी से निकाल दिया गया है, लेकिन कैसा काम होता है सरकारी अस्पताल में, ये तमाम दावे खोलते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबर वाराणसी से। BHU में कोरोना पॉजिटिव मरीज का हंगामा देखने को मिला है। सर सुंदरलाल अस्पताल में मरीज ने तोड़फोड़ की है, कोविड के सैंपल को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है और आरोपी मरीज के खिलाफ CMO से इसकी शिकायत भी कर दी गई है। मामले की जांच में स्वास्थ्य विभाग की टीम जुट चुकी है।
ये जो आप नीचे देख रहे हैं फर्श पर गिरे हुए कोविड के सैंपल्स हैं, अगर ये सैंपल्स ब्रेक हो जाते हैं या फिर किसी के टच में आ जाते हैं तो संक्रमण फैलने का भी खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इन सैंपलों को नुकसान पहुंचाया गया है उस मरीज के द्वारा, और जानकारी ये मिली है कि वो अपने परिजनों से नहीं मिल पा रहा था, उसको उसके परिजनों से नहीं मिलने दिया जा रहा था, इसी वजह से उसमें काफ़ी ज़्यादा रोष आ गया, जिसके वजह से उसने ये ज़बरदस्त हंगामा काटा है। लेकिन उसकी शिकायत कर दी गई है। सर सुंदर लाल अस्पताल का ये पूरा मामला जहाँ पर मरीज के द्वारा ये तोड़फोड़ की गई है और ये नीचे कोविड के जो सैंपल्स हैं वो गिरे हुए हैं, जिससे संक्रमण का खतरा भी फैल सकता है अगर ये ब्रेक हो जाते हैं। बीएचयू में कोरोना पॉजिटिव मरीज था, वो कोरोना पॉजिटिव मरीज जिसने ये हंगामा किया है और इस पूरे सामान को टच किया गया है उसके द्वारा, जिससे संक्रमण का खतरा तो फैलेगा ही, लेकिन मरीजों में इतना ज़्यादा रोष किस चीज़ को लेकर था ये भी एक बड़ा सवाल है। कोविड के सैंपल को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है उस मरीज पर, जिसकी शिकायत भी फिलहाल बताया जा रहा है कि कर दी गई है। कोविड के सैंपल को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। ये देखिए, ये एक लेटर भी यहाँ पर जारी किया गया है। अब खबर सीतापुर से है, जहां पर कोविड नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं लगाते लोग, पुलिसकर्मी भी मास्क नहीं लगा रहे, लगातार रोडवेज चौकी में ये अनियमितताएं नजर आती रहती हैं। तो ये एक गंभीर मामला है कि लोग इसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ना लोग मास्क लगा रहे हैं ना नियमों का पालन करवाने वाले पुलिसकर्मी मास्क लगा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो आप भूल जाइए। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, पुलिसकर्मी भी ना मास्क लगा रहे हैं ना ये लोग जो यहाँ पर जमघट लगाकर खड़े हुए हैं, इनको जरा सा भी कोरोना का खौफ नजर आ रहा है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अनियमितताओं की, यह अनियमितता यहाँ पर आए दिन देखने को मिलती है। सीतापुर की खबर है ये, कोविड नियमों की धज्जियाँ उड़ती नजर आ रही है। ये जो जमघट लगाकर लोग खड़े हैं, इन्होंने ना सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है और ना ही इन्होंने मास्क लगाया हुआ है। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन किसी भी तरीके का सीरियसनेस नजर नहीं आ रहा। अब खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है और बीते 24 घंटे में 5 मुठभेड़ें हुई हैं और मुठभेड़ में 25,000 का नामी घायल है और घायल को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मौके से तमंचा कारतूस बरामद है। बिजरख थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको यूपी पुलिस के सर्च ऑपरेशन का। ऑपरेशन क्लीन यहां पर जारी है, ये तमंचा यहां से बरामद हुआ है। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी घायल हो चुका है, एक बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए। मुठभेड़ के बाद जिसको पकड़ लिया गया है, वहां से ये बाइक बरामद कर ली गई है और तमंचा बरामद कर लिया गया है। बिजरख थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने उस बदमाश को पकड़ लिया है। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी। तो बीते 24 घंटे में ये पांचवी मुठभेड़ है, लगातार पुलिस ये ऑपरेशन क्लीन चला रही है, जिसके तहत बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है। ये 25,000 का नामी बदमाश था, जिसे पकड़ लिया गया है, साथ ही तमंचा भी बरामद कर लिया गया है और ये बाइक भी बरामद कर ली गई है। ये थाना बिशक को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुस्ते के पास जो है एक मोटरसाइकिल में दो व्यक्ति जो संदिग्ध लग रहे हैं वो देखे गए हैं, क्योंकि इस समय चेकिंग चल रही थी और उसी क्रम में जो है वो थाना प्रभारी के द्वारा जो है वो जब कुस्ते पे चेकिंग की गई तो दो लोग जो मोटरसाइकिल में सवार थे उन्होंने जो है वो यहाँ से भागना शुरू किया और पुलिस के द्वारा उनका पीछा किया गया। पीछा करने पे जो है वो पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया तो उनके द्वारा जो है वो फायरिंग की गई, जिसमें जवाबी फायरिंग में जो है थाना प्रभारी के द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, उसमें एक व्यक्ति को जो है वो गोली लगी और एक व्यक्ति जो है अंधेरे का फायर। अब खबर बुलंद शहर से, जहां पर पुलिस और बदमाशों में दो जगह मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में दो हिस्ट्री शीटा गोली लगने से घायल हो चुके हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और पकड़े गए बदमाश समेत पर 1.5 दर्जन से ज्यादा केसेस हैं। टॉप 10 अपराधी की लिस्ट में ये अमित भी शामिल है। तमंचा, पिस्टल, कारतूस और खोखा बरामद कर लिया गया है। ये देखिए, घायल करने के बाद इसको पकड़ लिया गया है, हिस्ट्री शीटा को।
एनकाउंटर। पुलिस और बदमाशों में दो जगह मुठभेड़ हुई है। पकड़े गए बदमाश समेत पर डेढ़ दर्जन से ज्यादा केसेस। दो हिस्ट्री शूटर थे जिनको गोली मार के उनको घायल करके पकड़ लिया गया है। इसके बाद अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। कई दिनों से इनकी तलाश थी पुलिस को, आखिरकार ये पकड़े गए। डेढ़ दर्जन से ज्यादा केसेस इन पर थे। तो इस पूरे मामले में एएसपी गोपाल चौधरी का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं। चेकिंग में जोखाबाद चौकी क्षेत्र में एक व्यक्ति को रुकाने पर वो रुका नहीं और वहाँ से फायर करते हुए भाग गया। उसकी गाड़ी पर भी नंबर प्लेट नहीं थी तो तुरंत पुलिस को और कंट्रोल रूम को सूचना दी गई, तो पास पास वाले गार्डियन ने उसको पीछा किया तो गुलावटी फ्लाईओवर के पास में उसने एक रोड पर मुड़ने की कोशिश की, वहाँ पर उसने वापस पुलिस पर फायरिंग की। इसमें जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दो राउंड फायर किए जो एक उस व्यक्ति को लगा है। उसको तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया गया है और उसकी शिनाख्त अमित उर्फ मुत्तू कसाई हुई है जो सिकंदराबाद क्षेत्र के टॉप 10 अपराधियों में से है। वो पहले भी जेल जा चुका है और उसके ऊपर कम से कम। वही आपको बड़ी जानकारी दे दे कि दो कैबिनेट मंत्रियों का जा बहराइच का अहम दौरा है और अनिल राजभर और बलदेव सिंह करेंगे दौरा बाढ़ग्रस्त इलाकों का। दोनों मंत्री जायजा लेंगे। पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ यह अहम मीटिंग रखी गई है। अहम दौरा, हालातों का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे यहाँ पर। बाढ़ग्रस्त इलाकों का दोनों मंत्री लेंगे जायजा। पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ ये महत्वपूर्ण मीटिंग रखी गई है। दो कैबिनेट मंत्रियों का अहम दौरा बहराइच का बताया जा रहा है। जो हालात बने हुए हैं बाढ़ग्रस्त इलाकों में, लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। क्या सुविधाएं उनको मिल पा रही हैं, किस तरह की दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है, ये तमाम जानकारियां ली जाएंगी उनके द्वारा और मदद पहुंचाने का भी पूरा प्रयास किया जाएगा। पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग भी रखी गई है दो कैबिनेट मंत्रियों की। तो आज अहम दौरा बहराइच का बताया जा रहा है। बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लेने के लिए वो पहुंचेंगे। दो कैबिनेट मंत्रियों का बहराइच का अहम दौरा। बाढ़ग्रस्त इलाकों का दोनों मंत्री जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे। अपडेट जरूर आप तक पहुंचाएंगे। लोगों को वहां पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं लोगों को उस इलाके में, क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तमाम जानकारियां साझा करेंगे और हालातों का जायजा लेंगे वो। आगे बढ़ेंगे। हरदोई कोतवाली इलाके में 4 साल की मासूम के साथ रेप की वारदात से सनसनी फैली हुई है और पड़ोस में ही रहने वाले 50 साल के शख्स पर रेप का आरोप है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मासूम को अस्पताल में भर्ती करवाया है जहां मासूम का इलाज जारी है। वहीं पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है। तो 50 साल का था ये रेपिस्ट जिसकी तलाश जारी है और मासूम की हालत अभी काफी गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में जिसका इलाज जारी है, 4 साल की मासूम से रेप। हरदोई का ये पूरा मामला बता रहे हैं हम आपको। 50 साल के शख्स ने एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जिसकी तलाश जारी है। आगे बढ़ेंगे। हरदोई के सांडी थाना इलाके में 50 रुपए की उधारी की मांगने को लेकर विवाद हो गया और दोनों ही एक दूसरे को मारने लग गए। एक शख्स से चाकू से दूसरे शख्स पर चाकू से हमला कर दिया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया है जहां इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो गई। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जांच भी शुरू कर दी। उधारी मांगने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था और मामला इतना ज्यादा गर्मा गया कि चाकू से वार हुआ है। इस पूरे मामले में एसपी अमित कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। ये थाना सांडी में पिड़किया गांव पड़ता है, वहाँ एक व्यक्ति आकाश शुक्ला, उसको चाकू से 3 चाकू लगभग बॉडी पर लगे, मैं बॉडी देख के आ रहा हूँ और उसकी वजह से हॉस्पिटल ले जाते उसकी हैवी ब्लीडिंग से मौत हो गई। किस बात पे चलते मामला, पूरी जानकारी करने पे परिवार द्वारा जो बताया गया कि आपस में कुछ 50 रुपये के लेन देन को लेकर विवाद हुआ जिसमें आज झगड़ा हुआ शाम को और उसी झगड़े में चाकूबाजी हुई। खबर अलीगढ़ से है जहां पर उद्योगपति और बीजेपी नेता के बीच बहस हुई है और युवक को नौकरी नहीं देने पर दोनों के बीच ये बहस हुई है। बीजेपी जिला महामंत्री ने फोन पर धमकी दी है,
बीजेपी नेता ने उद्योगपति को गाली गलौज करते हुए धमकी दी है। तो सांसद, विधायक और जिले का महामंत्री जो कि कहेगा करना पड़ेगा, गाली गलौज और धमकी देने का ये ऑडियो वायरल हो रहा है। युवक को नौकरी नहीं देने पर ये बहस हुई थी, जिसमें गाली गलौज भी हुई, जिसका ऑडियो भी वायरल हो रहा है। फतेहपुर के धाता थाना इलाके में पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने बताया है कि पकड़े गए दोनों ही अभियुक्तों के पास से 12 किलो गांजे के साथ ही एक लग्जरी गाड़ी भी बरामद हो चुकी है। साथ ही दोनों तस्करों के पास से 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद हो चुके हैं। पकड़े गए तस्कर मनोज शुक्ला सभासद हैं और जो कि खुद को बीजेपी का कार्यकर्ता बताते हैं। गिरफ्तारी के बाद से ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव के साथ गांजा तस्कर और सभासद मनोज शुक्ला का फोटो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। तो इस मामले में सीओ अंशुमन मिश्रा का क्या कहना है, सुनवाते हैं। अड़ौली पुरिया के पास चेकिंग चल रही थी और मुखबिर की सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई है, जिसमें 12 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद हुआ है और एक इनोवा गाड़ी में दो व्यक्ति इसमें पकड़े गए हैं, जिसमें एक अवैध असलाहा तथा 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।